अगर आप टाइफाइड से पीड़ित है तो आपके लिए दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला है मेडिसिन जो कि आप एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं, और दूसरा है डाइट प्लान कि आप अपना डाइट प्लान इस दौरान कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपका डाइट का आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि टाइफाइड के पेशेंट को अपने हर दिन के डाइट में किन किन खाद्य पदार्थ को ज्यादा शामिल करना है, किन किन खाद्य पदार्थ को अवॉइड करना है यानी कि त्याग देना है, नहीं खाना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगा जिसे आप इस मेडिसिन और इस डाइट प्लान के साथ लेंगे तो आपका रिकवरी रेट बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आप इस टाइफाइड से जल्द ठीक हो सकेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार साहब, स्वागत है आप सभी का। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टाइफाइड के दौरान हम लोगों को किन किन खाद्य पदार्थ को अवॉइड कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए या फिर उसका अमाउंट कम कर देना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है स्पाइसी मिर्च मसालेदार खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के सबसे पहले आंतों में जाकर संक्रमण करता है, और अगर आप इस दौरान स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है और आपकी आंतों में प्रॉब्लम आ सकता है और आपको कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस दौरान आपको स्पाइसी फूड कम खाना है या फिर बंद कर देना है ताकि आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहे। इसी तरह दूसरी जो चीज है वो है आपको अपने हर दिन के डाइट में फैटी फूड को कम करना है। फैटी फूड मतलब ज्यादा तले गले चीज, बटर, घी, इस तरह का फूड आइटम आपको अपने डाइट में कम करना है या फिर बंद कर देना है, क्योंकि इससे भी आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं और आपकी कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज की आपको कुछ तरह के कच्चे फल सब्जियां बंद करना है या फिर कम कर देना है, जैसे कि फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकोली हो गया, प्याज हो गया, और फ्रूट्स में जैसे कि कीवी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, क्योंकि इस तरह का फूड आइटम आपके बॉडी में जब जाएगा तो आपके बॉडी में गैस प्रोड्यूस करेगा, और जब गैस प्रोड्यूस होगा तो आपके साथ बेचैनी होगा, आपकी आंतों में दिक्कत आ सकती है और आपकी रिकवरी रेट बहुत ही स्लो हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपका कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो क्या करना है आपको इस दौरान? इस दौरान आपको इस फूड आइटम को कम कर देना है या फिर बिल्कुल ही खाना बंद कर देना है। और चौथी जो चीज है जो कि आपको हर दिन के डाइट में अवॉइड करना है वो है हाई फाइबर कंटेनिंग फूड आइटम। जी हाँ गाइस, ऐसे फूड आइटम जिसमें रेशे की मात्रा ज्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, उसे फूड आइटम को आपको हर दिन के डाइट में कम करना है या फिर बिल्कुल ही बंद कर देना है। जैसे कि अंकुरित अनाज हो गया, उसमें बहुत ही ज्यादा फाइबर होते हैं, या फिर किसी भी तरह का नट्स हो गया जैसे कि आलमंड हो गया, मूंगफली हो गया, वेलनट्स हो गया, या फिर किसी भी तरह का नट्स हो गया, आपको इस तरह का फूड आइटम अपने हर दिन के डाइट में कम करना है, क्योंकि ऐसे फूड में बहुत ही ज्यादा फाइबर होते हैं और ऐसे फाइबर वाला फूड हमारे बॉडी में बहुत ही धीरे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है आपके बॉडी के लगभग सारे एनर्जी फूड के पचाने में लग जाता है और बॉडी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बचती कि वो अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सके। तो इसीलिए इस दौरान हाई फाइबर कंटेंट फूड आइटम को आप अवॉइड करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपका रिकवरी रेट बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको उन फूड आइटम को अवॉइड करना है जो कि आपको पता है कि आपके बॉडी में ये फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो फूड आइटम को भी आपको अवॉइड करना है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रह सके और आपका एनर्जी बरकरार रह सके। तो अब तो हमने ये जान लिया कि टाइफाइड के पेशेंट को अपने हर दिन के डाइट में क्या क्या अवॉइड करना है, किन किन खाद्य पदार्थ को नहीं खाना है। अब हम ये जानेंगे कि टाइफाइड के पेशेंट को अपने हर दिन के डाइट में किन किन खाद्य पदार्थ को ज्यादा शामिल करना है, ज्यादा सेवन करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो फूड आता है जिसे आपको अपने हर दिन के डाइट में ज्यादा शामिल करना है, इंक्रीज करना है उसका अमाउंट, वो है हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। जी हाँ गाइस, आपको ऐसे फूड खाना है जिससे आपके बॉडी में एनर्जी भरपूर बना रहे, यानी कि ऐसे फूड आइटम जिसमें एनर्जी की मात्रा ज्यादा होते हैं, जैसे कि केला हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, इस तरह का फूड आइटम में बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे आपके बॉडी को सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी मिलती रहती है। तो इसीलिए गाइस आपको हर दिन के डाइट में इस तरह का फूड आइटम बढ़ाना है। ये ऐसा करना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आपने कई बार सुना होगा कि टाइफाइड की मरीजों की वेट बहुत ही ज्यादा घट गया है या फिर उसका शरीर गल गया है या फिर बहुत ज्यादा दुबला हो गया, पतला हो गया है। तो इसी कारण से हम लोगों को हाई एनर्जी फूड डाइट वाली खाना खाना चाहिए, और अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी वाली डाइट देते रहेंगे तो आपके बॉडी को अपने मास्क को गलाकर एनर्जी नहीं निकालनी पड़ेगी। और दूसरी जो चीज है वो है आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी से भरपूर रखना है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है टाइफाइड होने के दौरान डायरिया होना, वोमिटिंग होना आम बात हो जाती है, जिसके कारण से उसके बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का सेवन करिए, शुद्ध पानी का सेवन करिए या फिर फ्रूट का जूस पिए, जैसे कि तरबूज हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया,
ये सारे फ्रूट आइटम को आप जूस बनाकर पी सकते हैं। इससे आपके बॉडी में पानी की मात्रा बरकरार रहेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। तीसरी चीज जो आपके अपने डाइट में शामिल करना है वो है हाई प्रोटीन रिच फूड, यानी कि ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, वैसे फूड आइटम आपको ज्यादा सेवन करना, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोटीन से हमारे इम्यूनिटी के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप अपने बॉडी को प्रोटीन उचित मात्रा में देते रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी बहुत ही जल्द से जल्द इंक्रीज होने लगेगा, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो इसीलिए ऐसे समय पर आपको हाई प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर और किसी भी प्रकार का दाल आइटम ले लीजिए। दाल को आप किसी भी चीज में मिला के खा सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दाल चावल हो गया, दलिया हो गया, ये सब आप खा सकते हैं। इस तरह का फूड आइटम खाने से आपकी बॉडी में बहुत ही स्ट्रेंथ बनने लगेंगे और आपका इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा होने लगेगा। यहाँ पे एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो कि आपसे मैं दूर करना चाहता हूँ, वो है दही का सेवन करना। जी हाँ गाइस, कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि दही का सेवन करने से आपका जो ये प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ सकता है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। दही का सेवन करने से ये प्रॉब्लम आपको नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दही में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ दही में ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे आत्म में रहे हुए बैक्टीरिया को मारने में हमारे बॉडी को मदद करते हैं। इसीलिए दही खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप अपने डाइट में दोपहर के टाइम में दही का सेवन करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आपके इम्यूनिटी बरकरार रहेगा। तो अब तो हमने ये जान लिया कि टाइफाइड की मरीजों को किन किन खाद्य पदार्थ को ज्यादा शामिल करना है अपने हर दिन के डाइट में और किन किन खाद्य पदार्थ को त्याग देना है, यानी कि अवॉइड करना है। अब हम ये जानेंगे कि टाइफाइड की मरीजों को क्या है होम रेमेडीज, यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये टाइफाइड बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बहुत ही मान्य रखता है, इसीलिए आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ना ले रहे हो तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से आकर कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो कीजिए और उस एंटीबायोटिक को कंप्लीट डोज खाइए। और उस मेडिसिन के साथ साथ आप ये डाइट प्लान और ये होम रेमेडीज भी ट्राई कीजिए, ताकि आपका रिकवरी रेट बहुत ही फास्ट हो जाए, बहुत ही तेज हो जाए, ताकि आप इस टाइफाइड से बहुत ही जल्द राहत पा सके। तो सबसे पहले नंबर पर जो होम रेमेडीज आता है वो क्या करना है आपको, 2 से 3 अंजीर लेना है, 8 से 10 मनक्का दाग लेना है, बड़े वाला दाग लेना है जिसमें बीज हो, और 1 से 2 ग्राम खूब कला लेना है। आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को बॉयल करना है और बॉयल होने के बाद आप इसे ठंडा कर यूज कर सकते हैं। और सुबह शाम आपको खाना है और इन चीजों को आप चबा चबा कर सुबह शाम आपको खाना है। इससे क्या होगा, आपका टाइफाइड की जो बीमारी है वो उसका रिकवरी रेट बहुत ही तेज हो जाएगा। और अगर ये अवेलेबल ना हो सके तो आपको क्या करना है, अपने घर पे ही शहद और तुलसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही जल्द इंक्रीज होने लगता है और आप इस टाइफाइड बीमारी से बहुत ही जल्द राहत पा सकते हैं। तो ये तो था सारे इन्फॉर्मेशन टाइफाइड से रिलेटेड कि टाइफाइड की मरीजों को क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्या है टाइफाइड बीमारी का घरेलू इलाज, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर पता करना है कि टाइफाइड बीमारी क्या है, इसका कॉजेज क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका उपचार क्या है, इस सारे बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इसका फर्स्ट पार्ट जो टाइफाइड का मैं बनाया हूँ वो आप जरूर जाकर वॉच कीजिएगा। इससे आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और टाइफाइड से रिलेटेड आपके पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।